मुरादाबाद के अटल घाट के सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु अंधेरे में ही पवित्र गंगा में स्नान करने के पश्चात मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण कर अपने को धन्य मानते हैं। कुछ समय पूर्व मुरादाबाद के स्थित कटघर गंगा घाट का नाम अटल घाट रख दिया गया था। अटल घाट पर राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ ने शाम 6 बजे कार्तिक पूर्णिमा गंगा आरती का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों धर्म प्रेमियों ने गंगा की आरती कर पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण कर अपने को भाग्यशाली माना। परंतु गंगा घाट, जो कि अटल जी के नाम पर है और इसी घाट पर अटल जी की अस्थियां विसर्जन की गई थी, उसी घाट पर तमाम दूर दूर तक गंदगी फैली हुई है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं देश व प्रदेश की नदियों को स्वच्छ एवं गंदगी से निजात दिला रहे हैं, तो मुरादाबाद कटघर गंगा घाट की सफाई व्यवस्था और मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सतीश धल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही यह कहा कि अगर जल्दी ही मामले में कोई सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जाती तो इसी तरह के प्रदर्शन आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। दल सशक्त हिंदू महासंघ किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है? ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जब निधन हुआ था तो उनकी अस्थियों का विसर्जन मुरादाबाद के कटघर गंगा जी पे भी किया गया था। आज हमने कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा घाट पे आरती की थी, लेकिन यह देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि उस घाट पर इतनी गंदगी थी, गंगा जल में भी इतना प्रदूषण था। उसे देखकर हमारे सारे समाज के लोगों को बहुत आक्रोश हुआ। उसके लिए हमने आज उस गंदगी को देखते हुए, वो स्वच्छ जल न होते हुए देखकर आज हमने योगी जी के नाम पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उन्हें भेज रहे हैं, ताकि अटल जी का जो नाम है पूरी दुनिया के अंदर नाम है, या तो वो इसका नाम अटल घाट नहीं रखते। जब अटल घाट नाम रखा है तो उनकी यह मूर्ति स्थापित की जाए और जो गंदगी है उसे साफ किया जाए और जल को जो है स्वच्छ किया जाए। इसी बात को लेकर हमने आज जिलाधिकारी को योगी जी के ज्ञापन भेज रहे हैं। अगर सफाई व्यवस्था नहीं होती आगे क्या? अगर ये सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा प्रदर्शन निरंतर जब तक लागू रहेगा, चालू रहेगा, जब तक इसे सफाई व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती। अभी पिछले महीनों की बात करें तो गंगा सफाई के नाम पर योगी जी ने दौरा भी किया था, बोटिंग के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा किया गया था, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारी ये जानकारी में नहीं है। अगर हमारी जानकारी में होती कि योगी जी ने या पैसा उपलब्ध कराया है, वोटिंग के द्वारा भी उन्होंने यात्रा भी की थी गंगा सफाई को लेकर के, करोड़ रुपया खर्चा किया गया था गंगा सफाई, लेकिन वो दूसरे स्थानों पे हुआ होगा, मुरादाबाद में नहीं हुआ। अगर मुरादाबाद में योगी जी आते तो हमारे संज्ञान में जरूर होता, अभियान सभी जगह चला था, लेकिन यहाँ अभियान मुरादाबाद में नहीं हुआ। अगर यहाँ होता तो योगी जी कम से कम मेरे को तो सूचना जरूर देते यहाँ का इस कार्यक्रम को मैं आ रहा हूँ तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे वो नॉलेज में है नहीं। माना जाए यानी कि सूबे में जो गंगा सफाई अभियान चलाया गया था उसमें मुरादाबाद शामिल नहीं था? नहीं, मैं सिर्फ मुरादाबाद की, आपने कहा ना यहाँ आए तो मैंने कहा बाकी पूरे हिंदुस्तान में पूरे हुआ है, योगी जी और मोदी जी दोनों स्वच्छ कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद में नहीं हुआ। मैं तो मुरादाबाद की जिम्मेदारी मेरी है तो मैं तो यहाँ तो हर कीमत में सफाई व्यवस्था करा के छोड़ूंगा। अगर नहीं होगा तो मेरा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये सफाई व्यवस्था